हल्द्वानी में नकल विरोधी कानून को लेकर भाजपा युवा मोर्चा रैली करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार किया जाएगा। आभार रैली की जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शांकर रावत ने बताया कि नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले से 10,000 युवा कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा है कि उत्तराखंड देश में पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। देहरादून से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। का कल आयोजन है रामलीला मैदान में है, इसमें 10,000 से अधिक संख्या की युवा आने की हमें पूरी पूरी उम्मीद है। इसमें हम संगठन की दृष्टि से देखें तो इसमें काशीपुर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के युवा इसमें उपस्थित रहेंगे। इसमें युवा मोर्चा के पदाधिकारी और जितने भी परीक्षार्थी हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं इसमें उपस्थित रहेंगे। प्रतियोगिताओं पर वो भले ही प्रतियोगिता कराने वाली संस्था हों, वो चाहे नकलची कराने वाले दलाल हों या किसी भी प्रकार का कोई अधीनस्थ कर्मचारी हों, उनके कारण हमारे छात्र छात्राओं का और विशेषकर हमारे अभिभावकों का जो सपना होता था कि हमारा छात्र प्रतियोगिताओं में आगे आकर देश का भविष्य बनेगा, उनके साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ कर रहा था, इसको बंद करने का काम अगर किसी ने किया है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया।